श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव पंडित जी के मुखारविंद से उपाय सुने। इसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करा रहे हैं। पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया है, चंद्रदेव जिनका प्रेम अपनी एक धर्म पत्नी पर पूर्ण था, रोहिणी पर। बाकी की रानियां अपने पिता के पास जाकर कहती हैं, पिताजी हमारे स्वामी तो हमको देखते तक नहीं है, हमारा आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते। पति पत्नी को अपशब्द पर अपशब्द, कई बार ऐसे शब्दों का संबोधन कह जाता है जो नारी के हृदय में जीवन पर्यंत वो बात उसके हृदय में रह जाती है। चंद्रदेव की धर्म पत्नियां बैठी हुई थी और चंद्रदेव ने आते से कह दिया कि मैं तुमसे इतना स्नेह नहीं करता जितना मेरा रोहिणी के प्रति है। और रानियां अपने पिता के पास पहुंच गई। पिताजी ने एक बार जमाई को समझाया कि आप बोलो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा हमारी बेटियों का आदर कर बोलिए, सम्मान कर बोलिए। दुनिया का माता पिता सबसे ज्यादा सुखी कब होते हैं? जब उसके घर की बेटियां सुखी हो। एक बार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार में नहीं माने तो हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, चंद्रदेव तुम्हें अपनी काया का बड़ा अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रदेव, तुम्हें काया का रोग हो जाएगा, तुम्हारी काया टपक टपक कर भूमि पर गिरने लगेगी। रोने लगा चंद्रदेव। जब चंद्रदेव रोने लगे, देवऋषि नारद के पास गए, आप गुरु हो, आप कुछ मार्ग बताइए। मनुष्य के जीवन में दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। मनुष्य के जीवन में ये जो चीजें बहुत जरूरी है। अब कोई कहे कि गुरु जी हमने गुरु मंत्र नहीं लिया या हमारा कोई गुरु नहीं है, तो हम तो कहेंगे शंकर को गुरु मान लो, उसके दरवाजे पर जाकर कह दो, पर कहो जरूर। चंद्रदेव भी बंधन में पड़ गए तो चंद्रदेव ने जाकर गुरु जी से कहा। गुरुदेव ने कहा एक काम करिए, क्या? शिव की आराधना करिए। शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए महाराज, काया बेकार हो गई। चंद्रदेव की काया को शिव जी ने श्रेष्ठ करा, अच्छा करा, शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। भगवान श्री कार्तिकेय बाबा अपने माता पिता से रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। भगवान देवाधिदेव महादेव जब श्रीशैलम पर जाकर अपने पुत्र को मनाने के लिए जाते हैं तो वहां शंकर और पार्वती दोनों शिवलिंग के स्वरूप में विराजमान होते हैं। वो मल्लिकार्जुन भगवान के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों के निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों ने शिव जी से निवेदन करा। भगवान शंकर बोले मैं इसको मार तो दूंगा, मना नहीं, पर इस दूषण को वर मिला है कि जहां इसका रक्त गिरेगा ये 84 रूप धारण कर लेगा, इसके 84 रूप ना हो उसके लिए आपको मेरी बहन के पास जाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन है जिसका नाम छिप्रिया है। छिप्रिया के पास जाकर कहो कि अगर छिप्रिया पानी के रूप में आ जाए, जहां पर इसका रक्त गिरे वहीं पर छिप्रिया का पानी उस पर पड़ जाएगा, तो फिर दूषण नाम के राक्षस का उतार नहीं होगा। शिव जी ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने छिप्रिया से निवेदन करा। अब छिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, कह दो भोलेनाथ जी से कि मैं आ जाऊंगी। जैसे ही इन्होंने दूषण नाम के राक्षस को मारा, छिप्रिया आई नहीं, 84 रूप दूषण नाम के राक्षस के हो गए। जब दूषण नाम के राक्षस के 84 रूप हुए, शंकर भगवान को देखा अकेले थे और दूषण नाम का राक्षस 84 रूप में था, अब मारा कैसे जाए। तभी छिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं जल के वेग में आऊंगी, शंकर जी के शरीर के 84 टुकड़े कर दूंगी। और शंकर भगवान के शरीर के 84 टुकड़े कर दिए, भगवान 84 महादेव के रूप में उज्जैनी में आकर विराजमान हो गए। शंकर भगवान जब 84 रूप धारण कर लेते हैं तो दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दे। जीवन में अगर समय मिले तो एक बार 84 महादेव अवश्य करें। भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने ओम नाथ कर आराधना करी, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी के पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए थे, भगवान शंकर उसका संहार करे, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा, भगवान शंकर
काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। पूरी दुनिया में केवल एक शिवलिंग ऐसा है जिसको शनि महाराज ने निर्मित किया है, उसका नाम काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया। जानकर माता अहिल्या के द्वारा आए भगवान शिव का सुंदर दर्शन हुआ। गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर भगवान को रखा। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान रामेश्वर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है फिर रामेश्वरम। भगवान राम सेतु बांध कर जाने की तैयारी कर रहे हैं लंका। भगवान शिव के शिवलिंग को विराजमान कर उसका पूजन करा। बालू का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव ने जो बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, वही रामेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। अपने जीवन में एक बात और अच्छे से उतारिए, जब भी मौका मिले एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महीने भर में, दो महीने में, चार महीने में, छः महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहा करो। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का, वैश्य हो पीली मिट्टी का, शूद्र वर्ण के हैं काली मिट्टी का, शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, शिव की आराधना करते। भगवान शिव की आराधना का सुख ही दूसरा। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी। घोषमा को पुत्र हुआ तो सुदेहा को दिया गया। सुदेहा ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा और उस बालक का विवाह कर दिया। घर में बहू आई, उसको मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुषमा है। उन्होंने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। घुषमा को पूछने लगी, क्रोध आ गया सुदेहा। सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घुषमा नियम था शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज जब तालाब में विसर्जन करने गई, इसके मन में आया बहुत दिनों से बेटे का दर्शन नहीं किया, भोलेनाथ मुझे अपने पुत्र का दर्शन करा दो। घोषमा का बेटा जो एक हफ्ते पहले मरा था वो तालाब में से तैरता हुआ बाहर आ गया। घोषमा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही श्रवण किया गया, श्रवण करते से बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि में आ गया। भगवान शंकर ने चंचुला से कहा, चंचुला देख शिव महापुराण की कथा, भले तू बेधव्य है, विधवा होकर तूने कथा का रसस्वादन श्रवण किया है, पर चिंता मत करना चंचुला, मैंने तुझे तेरे पति का लोक प्रदान किया। अगला तेरा जब जन्म होगा फिर तू 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होगी, क्योंकि तूने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। ये अखंड सौभाग्य देने वाली शिव महापुराण की कथा जीवन का सुख प्रदान करती है। चंचुला देवी ने निवेदन करा भोलेनाथ जी से, तुम रुका जी कहते हैं मैं कथा को विराम दूं। शंकर भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ जी ने कहा मांगो तुम रुका जी, शिव महापुराण के विराम पर मैं आपको क्या दूं, दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। तुम रुका जी ने कहा भोलेनाथ मुझे दक्षिणा में अगर देना चाहते हो तो आप अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पुराण पर चढ़ा दीजिए और एक वर प्रदान कर दीजिए, शिव पुराण पर जो बेलपत्र चढ़े 6 दिवस तक जो बेलपत्र शिव पुराण पर चढ़ती है वो औषधि का काम करती। 6 दिन अगर आपको बेलपत्र मिली होगी, जिसके घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तकलीफ हो, किसी को टेढ़ापन आ रहा हो कमर वर में, तो ये 6 दिन जो बेलपत्र शिव महापुराण की चढ़ी हुई मिलती है ये कमर को, घुटने को, सिर को, पीठ को एकदम ठीक कर देती है। किसी किसी को अगर सिर में दर्द भी है तो जो 6 दिन की बेलपत्र थी अगर उसको खा लिया जाए 15 मिनट के अंदर सिर दर्द कम हो जाता है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, इतना बेलपत्र का महत्व है महाराज। और समापन के दिन की बेलपत्र का भगवान शंकर कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, जो 7वें दिन की विराम की बेलपत्र होगी जिसको मैंने शिव पोथी पर समर्पित करा है, ये कुबेर का भंडार भरने वाली होगी, कुबेर का खजाना देने वाली है। जो समापन के दिन की बेलपत्र है वो आपको जब प्राप्त हो उसको लाल वस्त्र में
अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसको रखना है। बाबा से निवेदन करना, हमारा भंडार भरना, घर में सुख समृद्धि देना, कार्य में उन्नति देना। बाबा से निवेदन कर कर आप रख कर देखना, 3 महीने में आप सब कुबेरेश्वर धाम सियोरा जाओगे कहने के लिए कि बाबा ने कृपा कर दी। ये कृपा करना, भगवान सुख समृद्धि वैभव प्रदान करते हुए भगवान शंकर ने बेलपत्र समर्पित करी। शिव पोथी पर बेलपत्र चढ़ाकर देवाधिदेव महादेव ने कहा, तुम रुकाजी कली काल में, इस कलियुग में ये शिव महापुराण की कथा रोग और व्याधियों से दूर करने वाली होगी। जो इस शिव महापुराण की कथा को कली काल में श्रवण कर लेता है, कुंवारी अवस्था में गर्भ में अगर कोई बच्चा शांत भी हो गया हो तो उसको पिंड और तर्पण मिल जाता है और उसका मुक्ति हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।